वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है मल्टीपल लाइंस और मार्कर के साथ, डिफरेंट मार्कर के साथ, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मैट प्लॉट लिप्स का ही। मैंने आप लोगों को पहले भी पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था लाइन और मार्कर के बारे में। अब ये जो है एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिसे मैंने मल्टीपल लाइन बनाई हुई है इस चार्ट में। तो एक काम करो कि इस कोड में आप लोग चलोगे, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो मेरा कोड है, यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट है। ठीक है, मैट प्लॉट लिप तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। लाइब्रेरी कॉल की है, एक्स की वैल्यू फिल करी है, और क्योंकि मैंने 6 लाइन खींचनी है तो 6 वैल्यू ली है मैंने वाई की। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखोगे जो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, फिगर ए एक्स और पी एल टी और सब प्लॉट, ये मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देखो, इसको समझाने के लिए मैंने ये पहले से ही बनाया हुआ है एक प्रोग्राम। ये देखो, हमने फिग और ए एक्स लिया हुआ है पी एल टी डॉट सब प्लॉट के नाम पे। ठीक है, फिग जो है, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। फिग फिग जो है आपका क्या काम करेगा यहाँ पर, ये फिग जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कंटेनर है आपका जिसके अंदर आप लोग ये चार्ट बना रहे हो, ये वाला चार्ट जो बना रहे हो आप लोग, ये लाइन जो खींची हुई है चार्ट है, एक कंटेनर के अंदर बनी हुई है। और ये कंटेनर आपका फिग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है फिग। और जो एक्सेस एक्सेस होते हैं, ये जो एक्स वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस हैं, ये आप लोग ए एक्स के थ्रू लेंगे। ए वाई मैंने इसलिए नहीं लिया, ए वाई आप ले भी नहीं सकते क्योंकि मैटप्लॉटलिब में बेसिकली ए एक्स ही यूज़ होता है दोनों एक्सिस को काम करने के लिए, वाई और एक्स। ठीक है, देखो जैसे मैंने किया हुआ है सेट एक्स लेवल, सेट वाई लेवल। तो अब देखो, एक चीज़ और है इसमें, ए एक्स डॉट लेजेंड, शायद मैंने ये बताया नहीं है आपको। लेजेंड के थ्रू आप लोग ये जो डेटा जिस वैल्यू के लिए आपने प्लॉट किया हुआ है, वो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एक एग्जांपल देख लो, जैसे ये वाला है, ये वाला एग्जांपल है। देखो, मैंने साइड में सभी मार्कर और सभी लाइंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप लोग एक्स लेजेंड का जो वैल्यू है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल में करूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको। ठीक है, ये आ गया आपका, मैंने माई लाइन के नाम से इसमें फिल करी थी वैल्यू माई लाइन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही वैल्यूज़ को, डेटा को फिल कर सकते हो। बाकी अब देखो, अपने प्रोग्राम पे आ जाओ। देखो, वाई वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने ले रखी हैं। ठीक है, 6 तरीके के जो लाइन और मार्कर है, मैं वो उसकी वैल्यू दिखा रहा हूँ, इसलिए 6 ली हुई हैं। एक्स की सिंपल मैंने ए की वैल्यू ली है क्योंकि एक्स को चेंज नहीं करना है मैंने। और फिगर और प्लॉट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कुछ समझना आए तो कमेंट कर देना फिगर और एक्सिस के बारे में। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है, समझ में आ ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाइंस, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और मार्कर स्टाइल्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो वैल्यूज़ थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 6 वैल्यू ले लेता हूँ। एक तो ले लेता हूँ, हाँ ये माइनस की ले लेते हैं, और फिर इसके बाद डबल डैश, इसके बाद डैश और डॉट, इसके बाद सॉरी कोलन लेते हैं, इसके बाद आप ले लो एक, दोबारा से रिपीट कर लो, सिंगल डैश ले लो, और मेरे ख्याल से एक और डबल डैश ले लेते हैं, डबल डैश डैश। ठीक है, उसके बाद मार्कर स्टाइल ले लो आप। मार्कर स्टाइल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे है तो आई बटन में वीडियो दिया, वो भी देख लेना। एक सेकेंड, मेरे ख्याल इसमें एक गलती हो गई, यहाँ से हटा दो उसको। ठीक है, ये मैंने एरे ले लिया जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ फिल कर दी मैंने लाइन स्टाइल की। अब एक और एरे ले लेते हैं जिसमें आप लोग मल्टीपल वैल्यू फिल करेंगे मार्कर स्टाइल की। मार्कर स्टाइल आ गया आपका ओ आ गया, इसके बाद आपका एस आ गया, इसके बाद आपका एक, ये भी मेरे ख्याल से स्टाइल के अंदर आता है,
और ये आ गया आपका कैपिटल डी। इसके बाद हम लोग लेंगे पी ले लेते हैं, और मेरे ख्याल एक एक्स एक्स ले लेते हैं। हाँ एक्स ले लिया आपने, ठीक है। अब मार्कर स्टाइल था, सॉरी इसको मार्कर स्टाइल, हाँ हो गया। ये ऊपर वाला तो लाइन स्टाइल हो गया आपके पास, नीचे हो गया आपके पास मार्कर स्टाइल, ठीक है। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। यार ये मार्कर स्टाइल थोड़ा सा रेड हो गया है, चलो देखता हूँ इसमें कोई एरर आएगी तब देखूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक्सिस पे काम करना है, तो ए एक्स डॉट प्लॉट ब्रैकेट के अंदर आप लोग लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे वाई वन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइन एस टी वाई एल ई, लाइन स्टाइल इक्वल्स टू, इसमें इंडेक्स दे देता हूँ 0। यहाँ पे ले लेता हूँ मार्कर एम ए आर के आर, मार्कर इक्वल्स टू मार्कर स्टाइल्स, इसकी इंडेक्स ले लेते हैं 0। हाँ इसकी इंडेक्स भी आपने ले ली 0। इंडेक्स 0 इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को सारी वैल्यू लेनी है, ठीक है। 6 वैल्यू हैं वाई की, इसलिए इंडेक्स इनकी मार्कर स्टाइल लाइन स्टाइल की, तो इसलिए इंडेक्स टू इंडेक्स आपको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ले लो आप लेबल इक्वल्स टू लाइन वन, सॉरी वन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, 3 वैल्यू तक लेता हूँ, बाकी वैल्यू आप लें, ठीक है। मैं अभी 3 वैल्यू तक ले रहा हूँ। एक क्या करता हूँ यार, इसमें चेंजेस कर देता हूँ, 2 3 कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 1, यहाँ पर आएगी 2, अब इंडेक्स की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे आएगी इंडेक्स की वैल्यू 2, ठीक है। इतना ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हाँ लेबलिंग कर देते हैं। ए एक्स डॉट एक्स सेट लिखना, सॉरी सेट अंडरस्कोर एक्स लेबल, लेबल की स्पेलिंग लेबल, ब्रैकेट में आप के सिंगल कोट में मैं एक वैल्यू देता हूँ एक्स एक्सिस, ब्रैकेट वगैरह क्लोज कर दूंगा। इसके बाद वाई से कुछ वाई को लेबल दे देता हूँ सेट वाई लेबल, इसमें लिख देता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद एक टाइटल दे देता हूँ ए एक्स डॉट सेट टाइटल, चार्ट विद 6 वैल्यूज, चार्ट विद 6 वैल्यूज, ठीक है। और इसको रन करते हैं, मेरे ख्याल से एक एरर आनी चाहिए इसमें, अगर रन नहीं, एक सेकेंड, पी पी एल टी डॉट शो, देखते हैं कि रन होता है नहीं, रन नहीं हो रहा, क्या हो गया। कोई एरर आ गई है इसमें, एक सेकेंड सेकेंड, हाँ तो देख लो उसको,
ठीक है, ये मेरे ख्याल से मैंने हाँ यहाँ पे 3 लाइनें की कर दी हैं। मेरा ज़रा क्या कहते हैं जुपिटर नोटबुक क्लोज़ हो गया था, इस वजह से वो लाइन्स रन नहीं कर पाई। ठीक है, मैंने दोबारा ओपन किया है। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैंने थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर चार्ट विद 6 लाइन एंड डिफरेंट मार्कर्स। ठीक है, ये लाइन ऐड करिए, बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। और एक ए एक्स डॉट लेजेंड ऐड करा है, इसका मैं अभी मीनिंग बताऊँ। इसमें मैं एक्चुअली क्या काम करूँ ना, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें यहाँ पर एक वैल्यू दे दो, 6 वैल्यू चार्ट। अब इसको रन करो। ठीक है, देखो आपने लेजेंड डाला हुआ है, 1 सेकेंड इसको हटाओ यार, आपने लेजेंड डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको VAL इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है साइड में। ठीक है, वैल्यूज़ के लिए इसमें आपको जहाँ तक मुझे लगता है आपको इसमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। मैं जैसे मैंने अपने इस वाले एग्जांपल में किया हुआ है, ये मैंने आपको एग्जांपल कराया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। नहीं, इसमें फॉर लूप का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से आएगा शायद। ठीक है, लेजेंड के थ्रू आप लोग जैसे साइड में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोग शो कर पाएंगे अपने आपका ना लेजेंड कीवर्ड है जो आपका इसके इसके थ्रू वैल्यू हटा के। हाँ सॉरी, इसमें वैल्यू कोई वैल्यू फिल मत करना, इस तरीके से आ जाएगी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। ठीक है, इसमें भी वैल्यू फिल मत करना अगर आपको कोई, चलो मैं एक चीज़ की वैल्यू फिल करके दिखा देता हूँ फिर भी एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में की हुई है। अब इसको देखो आप ये कोड, ताकि आपको पूरा ही समझ में आ जाए। इसमें क्या करो, जैसे मैं ये वाली लाइन अब यहाँ पेस्ट कर दी है, LOC लोकेशन, ठीक है, अपर राइट लेफ्ट, ये वाला कॉर्नर मतलब अपर राइट लेफ्ट, ठीक है, ये पोजीशन है अपर लेफ्ट की, ऊपर की साइड लेफ्ट की साइड में ये पोजीशन दे दी मैंने। और ये देखो बी बॉक्स टू एंकर, यहाँ पर मैंने वैल्यू दी है 1 और 1। अब ये जो 1 1 की वैल्यू दी है ये आपको इस कंटेनर से बाहर की एक्सेस है वो शो करेगी। एक मिनट मैं आपको कोड रन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या करूं मैं, इसको इसको इधर रन कर दो, ये बॉक्स जो है बाहर आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो बॉक्स जो है आपको इस कंटेनर से बाहर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रख कर दोगे तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, इन्होंने वाई से भी 1 लिया है और एक्स से भी 1 लिया है। तो ये जो मैंने क्या कहते हैं वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स वाई की, ये आपको कंटेनर से बाहर अगर आपको वैल्यू शो करनी है तब काम करेंगी। ठीक है, और लोकेशन तो आपको लोकेशन है ही। अब जैसे मैंने वो वैल्यूज़ हटा दी एक्स वाई की, तो अब ये जो है अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ अपर राइट, तो आपको ये जो आपका लेजेंड है ये आपके साइड में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन आप इसको लेफ्ट ही लिखें, मतलब अभी तो क्योंकि ओवरलैप हो रहा है लाइन पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसलिए लेफ्ट लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब। यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर 6 वैल्यू दी हुई है मैंने, 6 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या काम करना, मैंने तो 3 पे ही काम किया है, आप लोग इसमें 3 लाइनें और ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ उसके बाद उसमें Y4 Y5 Y6 ले लेना, और मार्कर की इंडेक्सिंग और लाइन स्टाइल की इंडेक्सिंग को चेंज करते रहना, और लाइन के नंबर को भी चेंज करते रहना। ठीक है, और ध्यान रखना लेजेंड आप यूज़ करोगे तो लेजेंड की जो यहाँ पर जो आप लेबल दोगे वो आपको वैल्यू यहाँ पर शो होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये जो मल्टीपल लाइंस का जो चार्ट है वो आप लोग इस तरीके से आप लोग अपना सब प्लॉट बना सकते हैं। बाकी यहाँ तक ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो फिर अब वीडियो ही एंड करते हैं, मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।